मार्केट चलते हैं एंड मेरे दोस्त ने दिवाली के सजाने के सामान की दुकान लगा रखी है, तो जाके उससे मिलता हूँ। छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली का मार्केट आया हूँ फिर से आया मार्केट भाई देखने के लिए क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। एंड आज का मेरा आउटफिट ये है, एक साइड जीन्स एंड सुपरस्टार के शूज पहन रखे हैं। तो आज का आउटफिट ही है मेरा, तो कल का देखते हैं दिवाली का क्या होगा क्या नहीं, कल का क्या आउटफिट होगा। कल सिंपल ही होगा जो भी होगा, तो देखते हैं। आज भी बहुत भीड़ हो रही है इस छोटी दिवाली है, क्योंकि यहाँ मार्केट में रोज आ रहा हूँ मैं यार, मस्त लग रही है यार, एक नंबर मार्केट सजी पड़ी है। तो भाई देखो अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, नहीं देख सकते यार पीछे देखो झाड़ी झाड़ है, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है भाई, अकेला घूम रहा है। ये रही दुकान, अरे ये रही इसकी दुकान, हाँ आइए ये भी भाई, ये भी भाई, तो ये रही भाई दुकान लगा रखी है। क्या क्या बेच रहे हो भाई बताओ, क्या बेच रहे हो? सामान सामान है भाई, वो तो मेरे को भी दिख रहा है क्या क्या बेच रहे हो सामान में बताओ ना। पाँच रुपए का भाई, ये भी पाँच का, और दस के दो दस का हाँ सारा दस का। और भाई एक रुपया वाला सामान बताओ कौन सा है, चाहता है चाहिए भाई, इतने चीपेस्ट प्राइस में तुम सामान भेजो, एक रुपया वाला बताओ ना है कोई अपने पास है। हाँ दस से लेके बीस तक का। अच्छा दस से लेके बीस तक का, और ना तीस तक का भाई, क्या भाई देसी, ये देसी कट्टा कहाँ लगा, ये बात का देसी कट्टा, लेकिन इतने दुकान ही लगा रखी है इस साइड पे, तो फन कार्ट में आ गया मैं भी, देख लेते हैं क्या क्या लगाया दुकान के अंदर। तो भाई बढ़िया अपना पार्ट टाइम जॉब बिजनेस है ना भाई, बढ़िया भाई करना चाहिए भाई, मैं भी कर लेता हूँ, आनंद बढ़िया है, हम भी कर ही रहे हैं कि कुछ हो जाएगा ना, चैनल ग्रो हो जाएगा जल्दी जल्दी हो जाएगा। लाइक करो शेयर भी कर देना अब तो कर ही देना, चलो कर देना, पक्के करना, पक्के पक्के नहीं भाई, वो तो किसी और का डायलॉग है भाई, जल्दी नहीं भाई, आराम से करना, तसल्ली से करना, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है। तो बक्के भाई किसी और का डायलॉग है तो मैं अपने चैनल पे लेना नहीं चाहूंगा, तो सामान नहीं भी लेना ना, वो आओ बल्ली बल्ली ताड़ मार के जाओ आराम से, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है, ये भाई लाइफ स्टाइल चैनल है तो ऐसा नहीं होगा, सही है लाइफ चैनल है भाई, ऐसी ऐसी बात नहीं करता ना भाई, सभी बंदा है। गाइस आज है बड़ी दिवाली और दो घंटे बाद होने वाली है रात, जिसका इंतजार था मुझे, एंड दिवाली सेलिब्रेट करेंगे एंड अभी मैं जा रहा हूँ नहाने धोने के लिए, फिर उसके बाद जाते हैं भाई कपड़े लेने, एंड अब खरीद रहा हूँ शाम को 4-5 बजे के आसपास में कपड़े, तो पहले घर चलते हैं एंड फिर चलते हैं कपड़े लेने के लिए, तो मिलते हैं आगे अभी। एंड कपड़े ओए चलना, तो भाई कपड़े वपड़े ले लिए एंड अब तैयार होंगे, चलते हैं। सो ओके ऑलरेडी गाइस, इसका तुमने मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, तो आज के ही दिन राम जी अयोध्या आए थे और उनके ही खुशी के अंदर दिए दिए और आतिशबाजी करी गई थी, तो अंधेरी रात में कैंडल मेरे हाथ में, एंड आगे की बात करते हैं, इस कैंडल को रख के बात कर लेता हूँ यार, कैंडल यार ऐसी बात नहीं करी जाती मुझसे यार, कैंडल पहले रख लेता हूँ ना फिर बात करते हैं आगे की समझ सकते हो ना यार, और नीचे जाके अपना आउटफिट दिखाता हूँ आज का क्या बोल रहा हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज का आउटफिट मेरा कैसा होने वाला है तो वो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ, एंड लास्ट तक देखना ब्लॉग, मजा बहुत आने वाला है क्योंकि दिवाली ब्लॉग है, क्या करता हूँ मैं दिवाली के अंदर, क्या नहीं, कैसे होगी दिवाली सेलिब्रेट, सब दिखाऊंगा इसी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई क्या करना है, क्या सोच रहे हो अभी तक, सब्सक्राइब कर लेना बस, चलते हैं नीचे एंड दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है। इस कैंडल को पहले रख देता हूँ यार, कपड़े वपड़े जला देगी नहीं तो मेरे, तो इसको साइड में पटक देते हैं, यहाँ साइड में रखते हैं एंड चलते हैं नीचे, तो रेडी स्टडी एंड गो, एंड अभी दिए दिए निकालने, पूजा वूजा मेरे को ही करनी है, तो चलते हैं नीचे बात करते हैं सारी की सारी, चलो भाई। कहते हैं कि पर्स रखने से अपने लक्ष्मी आती है, हर माता के पास रखो तू नीचे, वो पैसों में भाई लक्ष्मी आती है, तो मेरा ये पर्स इसमें पड़े हैं पैसे कतई सारे, ये देख सकते हो ढेर सारे अपनी कमाई मेहनत की, तो इसके रखेंगे इसके पास की और लक्ष्मी आ जाए।
लिए रखते हैं भाई अपने लिए, क्योंकि पूजा वूजा मैंने कर ली है एंड दिए रख लेता हूँ हर एक जगह पे, तो प्लेट पर यहाँ रख देते हैं और दिए एक एक उठा के रखते हैं एक एक कोने में, एक दिया यहाँ रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा आउटफिट मिल गया है, डेनिम की जैकेट एंड ग्रीन टी शर्ट और नीचे क्या पैंट एंड मेरे ज़ारा के शूज़ जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले थे, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आगे मुझसे बोला भाई यहाँ पे बम कहाँ मिलेंगे, फिर मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता, मैंने इतना बोला, फिर दूसरा आगे बोल भाई बम कहाँ मिलेंगे, अगर भाई तुम लोगों को बम चाहिए होते ना भाई दिल्ली पॉल्यूशन से भर चुकी है तो एक हफ्ते पहले बम ले लिया करो, और मैं बम भाई जो फोड़ रहा हूँ तो मैं भी बम फोड़ रहा हूँ देखा देता हूँ आपको भाई, एक डब्बा फोड़ रहा हूँ वो भी क्लासिक का है मेरा, ये डब्बा क्लासिक ग्रीन का डब्बा है तो ये ब्रांडेड फोड़ रहा हूँ, एक डब्बा फोड़ रहा हूँ मगर सही फोड़ रहा हूँ और सेफली फोड़ूंगा, और आज बताऊंगा कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट्स हुआ था, कैसे मेरा पिछले साल हाथ जला था, तो चलते हैं पहले दोस्तों के पास है। आज मैं आज को अपने दोस्तों के साथ सारे पंचल करने वाली पंती मोनू विशाल और क्या नाम है सन्नी सैम कमल राजा, तो सारे अपनी पल्टन मिल चुके हैं, फन आर्ट दिखाऊंगा पूरा पूरा इसके अंदर क्या फन होने वाला आज का, तो चलते पहले यार मैं शूज गंदे कर दिए शूज पे चल गया, तो अभी मैं स्पीकर लाता हूँ अपना, बीटीएस के पास दिया वैसे तो मैं अपना लेकर आ रहा हूँ, JBL का है भाई हल्के में नहीं लेने का, JBL का 2000 वाला, मैं भी अपना लेकर आता हूँ स्पीकर, 9 बजने वाले 9 बज गए हैं, 9 बजने वाले क्या 9 बज गए, 1 घंटे से ये तैयार होने में लगा दिए, 1 घंटे में बोने में तैयार चला दिए, और दिवाली बनाई नहीं अभी भी, मेरे बम का पैकेट मेरी जेब में पड़ा हुआ है, कितना टाइम और लगेगा, चलते हैं यार 1 घंटे से घूम ही रहे हैं यार, पता नहीं घंटे हो गए घूमते घूमते, कुछ समझ तो आ नहीं रहा यार कहाँ पे जाना कहाँ पे, इतनी बार अब बम फोड़ूंगा मैं, ये मेरा क्लासिक का एक पहला फर्स्ट बम है, अब इसे फोड़ते हैं, तो भाई दिया ही है साइड में पड़ेगा दो दो गाड़ी जब साथ जब सामने दिया पड़ा हुआ है वहाँ से जलाएंगे, तो चलो यार चला तो देखते हो मेरा लग गया आग, पीछे मैंने रख दिया आवाज़, देखते क्या आवाज़ आएगी इसकी, सॉलिड आवाज़ तबाही है तबाही, मस्त आवाज़ आई ना, स्टैंड पे आ गया देख उसके भाई पूरा टूट रही दिवाली बन गई है भाई, तो अभी चलते हैं यार जहाँ मेरा हाथ जला था वो लोकेशन पे लेके चलता हूँ एंड दिखाता हूँ कि कैसे क्या हुआ था मेरे हाथ के साथ, तो चलते हैं एंड देख के तो लगाता है यार, भाई पार्क में आ चुका हूँ एंड कैसे मेरा आज जला था पिछले साल क्या इंसिडेंट्स हुआ था मैं तुम्हें बता देता, तो इस साइड पे देख सकते, इस साइड में खड़ा हुआ था, तो मैंने 3 अनार फोड़ दिए थे एंड मैंने वो भी जलाए थे रॉकेट भी जलाते, तो हम पार्क में आके भाई हम फोड़ रहा था मैं पिछली बार, तो रॉकेट मैंने नीचे रख के यूं करके जलाया था, रॉकेट सब चले गए थे सही से, जो मैंने 3 अनार छोड़े थे ना, अनार छोड़े तो तीनों सही जल गए मगर जो छोट था ना, तो मैंने वो जस्ट वहाँ जलाया था उस साइड में क्या वो पेड़ है वहाँ पे जलाया था मैंने, तो हुआ क्या कि जो चौथा अनार था ना तो मैंने उसको यूँ पकड़ा था इस साइड से ऐसे लेके हाथ से इस साइड से पकड़ के एंड जैसे ही मैं बैठ जा रहा ऊपर तो मैं ऐसे आते कर रहा था अनार के साथ में कि ऊपर जाके अलग ही आता भाई कुछ नहीं, तो मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही मैंने यूँ करके फोड़ा तो हाथ में ही ब्लास्ट हो गया यार, और जब ब्लास्ट हुआ तो भाई एकदम से मैंने अपना हाथ में पता ही नहीं चला कि हाथ है या नहीं, तो मैंने अपना एकदम से हाथ चलाना स्टार्ट कर दिया यूं करके कि भाई जो पता है बम तो रिएक्शन ना करे हैंड पे या ख़राब ना हो जाए उंगलियाँ उंगलियाँ कोई डैमेज ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं जैसे ही फटा तो मैंने हाथ चलाना स्टार्ट करा एंड भगते हुए भाई मैं फिर घर चल गया, तो मैं यहाँ से टापा सीधा टाप टापा घर से नहीं एंड उसने भाई क्या सज रखी है भाई पूरा दिवाली पर कुछ ऐसा नज़ारा होता है जो मैंने दिखा दिया तो पसंद क्या थी मेरी, तो अब मेरे को ये फिर से टापना पड़ जाएगा, तो देख सकते भाई लोहे के ये भी लगे हैं, तो
घर की तरफ एंड दिखाते हैं क्या होता है तो वापस। तो लेट्स गो। ये हमारे यूट्यूबर कंप्लीट करवा रहे हैं, वीडियो बना दियो, वीडियो बना दियो, ना चला दूं यार, बन गया बन गया। आज आने आइए मैं चल गया चाहिए भाई लोहे के इसके अनाज लगा लो और बम लगा लो, बोले आलू बम लगा लो जुआर रहे हो भाई लोहे की पिस्तौल वे इधर भी तो दिखा रहे जुआर रहे ओ बादशाह ओए बम का ही डाल एक बार और बोल रहे हैं अनाज लगा के रुक जा रुक जा यार भाई एक नंबर चाहिए यार एक नंबर भाई वीडियो अच्छी लगी हो ना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसको ठीक है ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे एंड अगर सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर दूँ फिर से सोच रहा हूँ इसको यहीं पर ही एंड कर दूँ मगर मन तो नहीं है वो रहने यार बंदा बहुत खतरनाक है ये पैक दिया भाई ऊपर भाई ये तो शहर आतिशबाजी कर रहे हैं यार बहुत ही गंदगी वाली भाई किसी का और किसी का भाई गंदी तरह के हाथ हाथ जली है ना तो फिल्म जाएगी आज भाई इतनी गंदी तरह के बम फूट रहे थे भाई वो आसमान में भाई ऊपर की साइड में बम फेंक रहे थे जैसे पिछले साल मैंने करा था मैं भाई उस बंदे से कह रहा भाई मैं फोड़ आज जल जाएगा मगर वो मेरा बोला भाई अच्छी क्वालिटी के बम फोड़ते हैं हम अच्छी क्वालिटी के मैंने कहा अच्छा भाई अच्छी क्वालिटी के भाई बम का कोई क्वालिटी थोड़ी ना आती है कभी भी धोखा कोई सा भी दे सकता है तो कोई पता नहीं होता बम का अब ये दो ही बम बचे हुए हैं तो फोड़ के फिर करता हूँ मैं एंड और अभी देखो भाई अभी मैं अकेला चल रहा था अभी उठाया मैंने इसको घर से उठा के लाया फिर दोबारा से बंदा खाना खाने चले गया यार मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं घूम रहा हूँ मैं उसकी ये खाना खाने चले गया तो ये दो बम बचे हैं इसके बाद ब्लॉग को एंड कर दूंगा मैं और भाई देखो लाइटिंग मस्त आ रही है ना ब्लू 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 आइस हिप्नोटाइज तो इनको फोड़ते हैं देखते हैं कहाँ फोड़ेंगे दो आइटम बम आखिरी है तो लास्ट बम है ये फोड़ रहा है वे फोड़ने रहे वे बिस्किट लेड डिश फोड़ने रहे जल्दी फोड़े लास्ट बम ये फोड़ रहा है उसके बाद मैं फोड़ता हूँ फिर ब्लॉग एंड करते हैं बहुत टाइम ले रहा यार भाई चिल्ला निकल फोड़ रहा है उसको फोड़ने के लिए दे दिया मैंने अपने आलू में फिर उसके बाद चाहता हूँ यार क्योंकि पापा का कॉल बहुत आ रहे हैं यार फुल छल्ला बनेगा देखा भाई चिल्ला निकला एंड इसी ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कर देना आपको पता है कि क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लिटिल दिन बाय बाय और बहुत पॉल्यूशन हो चुका है दिल्ली में देख सकते हो यार कितना सारा पॉल्यूशन हो चुका है माइकल तारे भाई हैं तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।